फ्रेंड्स, टुडेज डिस्कस अबाउट व्हाई कार्बन नॉट फॉर्म फोर बॉन्ड्स, कार्बन इट्स अ फोर बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं कर सकते है? तो देखते हैं, चलो कार्बन में कैसा है। कार्बन कार्बन ये जो है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, ओके। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है, ओके। बट कार्बन कार्बन जो फोर बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं कर सकता है, ओके। ये वाला बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड भी फॉर्म होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म होता है, बट उसके पास तो वैलेंस ही है चार। कार्बन की वैलेंस कितनी है? फोर, यहाँ पे देख सकते हो आप, उससे फोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, ओके। सो इससे भी फोर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है बहुत कार्बन से, बट ये वाला बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। तो इसके पीछे का वही रीज़न देखने वाले हैं आज हम, कि कार्बन कार्बन फोर बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म कर सकता है। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है अदर एलिमेंट्स के साथ में, लेकिन इटसेल्फ ये इटसेल्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी फॉर्म कर सकता है यहाँ पे, लेकिन सिंगल बॉन्ड में, ओके ना। बट यहाँ पे देखना है हमें कि ये चार बॉन्ड इटसेल्फ क्यों फॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसके पीछे का एक बेसिक है, सिंपल सा आपको समझ आएगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, ये दो कार्बन है, कार्बन वन एंड कार्बन सेकेंड। सो यहाँ पे देखना है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन फर्स्ट का न्यूक्लियस कार्बन सेकेंड के इलेक्ट्रॉन्स, ये आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल, इसके इलेक्ट्रॉन्स ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट का न्यूक्लियस सेकेंड के इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके साथ में क्या करते हैं, अट्रैक्शन होता है दोनों का, ओके। लेकिन और इसमें भी वैसे सेम है वैसा, जो सेकेंड वाला न्यूक्लियस है वो फर्स्ट वाले के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ में अट्रैक्शन करता है, देख सकते हो आप, दोनों भी एक में के साथ में अट्रैक्शन कर सकते हैं। बट जब ये फोर्थ बॉन्ड फॉर्म करने जाते हैं तब यहाँ पे न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, कार्बन वन का न्यूक्लियस और कार्बन टू का न्यूक्लियस, ये एक दूसरे से क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये रिपल्शन करते हैं। सेकेंड थिंग, जो आउटर मोस्ट शेल से उसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या करते हैं, जब फोर्थ वाला बॉन्ड फॉर्म करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे इनमें भी रिपल्शन होता है। इसीलिए कार्बन कार्बन जो है फोर्थ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, ओके। यही इसके पीछे का एक रीज़न है, ओके। थैंक यू।